हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु चैनल को, और मैं आपके सामने यासीन हसन। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में। गूगल क्रोम एक्सटेंशन के अंदर मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दिखाऊंगा जो कि आप गूगल क्रोम के ही अंदर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको काफ़ी सारे मैं टॉप सॉफ्टवेयर को वहाँ पर रिव्यू दूंगा और करके भी दिखाऊंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के बाद आपके काफ़ी सारे समय आज के बाद बचने वाले हैं, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। और मैं आपके 5-6 सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा आज, तो स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखिए और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन पे सारी चीज़ें कर पाएंगे आज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना गवा, दोस्तों मैं आपको ऐसे टॉप गूगल एक्सटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके काफ़ी लाइफ में हेल्प करेगी, आपके बड़े से बड़े काम को छोटा करेगी। तो चलिए दोस्तों टाइम ना गवा के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो ओपन करना है, आपको नया ऐप ओपन करना है। आपके साइड में ये लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको वेब स्टोर में जाना है और यहाँ पर जो मैं पहला आपको एक्सटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है फुल पेज स्क्रीन कैप्चर। एक्चुअली दोस्तों ये फुल पेज स्क्रीन कैप्चर क्या है, ये काफ़ी अच्छा स्क्रीन कैप्चर एक्सटेंशन है। जैसे कि लाइक ये आपके सामने ओपन हो चुका है, इसको हमें ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे। इंस्टॉल हो चुका है, जैसे दोस्तों ये नोटिफिकेशन मिल गया फुल पेज स्क्रीन कैप्चर हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। तो दोस्तों आपको कैसे ये काम करता है, जैसे कि लाइक ये मेरा यूट्यूब का मतलब कुछ भी मान लीजिए या कोई वेबसाइट से ये पेज है उसको उस पर हमें करना है क्या, जैसे ये मेरा पूरा का पूरा पेज है, सपोज़ ये मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब का पेज है, चाहे ये 5 पेज हो या काफ़ी बड़ा पेज हो, तो ये होता क्या है, ये करता क्या है। जैसे कि ये वाला मैंने एक्सटेंशन ऐड किया फुल पेज स्क्रीन कैप्चर्स पे, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये फुल स्क्रीन कैप्चर कर रहा है। ये देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे तक स्क्रीन कैप्चर मतलब कर ले रहा है ये अपने आप, और उसके बाद स्क्रीन कैप्चर ओपन करने के बाद ये नेक्स्ट पेज अपने आप ओपन कर देगा और यहाँ पर ये कहेगा कि आप इसको करना क्या चाहते हैं, इसको आप PNG में डाउनलोड करना चाहते हैं या PDF में डाउनलोड। ये देख रहे हैं दोस्तों ये मेरे सामने अगर ये कोई पेज ओपन होता है तो हम उसका प्रिंट स्क्रीन मतलब सामने वाले ही पेज का ले पाते हैं, ऊपर से नीचे तक का नहीं ले पाते हैं। इस केस में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, हम चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा एक पेज का स्क्रीनशॉट मिले, वैसा हो नहीं पाता। बट आप इसकी मदद से इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आप इस फाइल को फिर PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो डाउनलोड इमेज PNG में कर सकते हैं, इसे अलाउ कर देना है। इसके बाद ये देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में ये डाउनलोड हो गया हमारा, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों अब मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ पूरी तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर ले लिया इसने, ऊपर से नीचे तक इसने सारा का सारा कैप्चर कर लिया है। तो ये हमारा स्क्रीन कैप्चर करता है, फुल स्क्रीन कैप्चर करता है, किसी भी वेब पेज का लेना हो या किसी भी वेबसाइट पे काफ़ी बड़ा पेज है उसका स्क्रीन कैप्चर ये आपका कर लेगा। और दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं PDF और इमेज PNG में डाउनलोड करने का। और दूसरा दोस्तों आपको एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो है फॉक्स क्लॉक्स। जो एक्सटेंशन है दोस्तों ये फॉक्स क्लॉक्स, इसको ऐड टू क्रोम पे इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा प्रॉपर तरीके से भी इंस्टॉल होगा, जैसे कि दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों ये इस तरीके से ऐड नोटिफिकेशन का मैसेज आ जाता है। ये काम क्या करता है एक्चुअली दोस्तों, ये काम ये करता है आप कहीं भी गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उस पर जब आप इस वाला एक्सटेंशन के लोगो पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये आपको ऑल ओवर मतलब कंट्री की किसी भी उसकी कंट्री की टाइमिंग को बताएगा। जैसे कि लंदन में 8:04 हो रहे हैं, ये सुबह का टाइम दिखा रहे हैं,
और जैसे कि न्यूयॉर्क में दिखा रहा है, आप इंडिया का भी चाहें तो आप लाइक सपोज इंडिया का चेक कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का आप टाइमिंग चेक करना चाहते हैं करंट टाइम, तो करंट टाइम आपको पता चल जाता है। देखिए ये 12:35 अभी ये PM हमारे कंट्री का ये टाइमिंग चल रहा है, तो ये हमारी GMT टाइमिंग को करंटली बता देता है कि हम जितना भी किसी भी कंट्री के हम GMT टाइमिंग को देखना चाहते हैं, जो क्या टाइमिंग हो रहा है वहाँ का, तो हम यहाँ पर सर्च करके इजीली हम इसको कंट्री की टाइमिंग को हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगला एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ जो है गूगल डॉट यू GLE कर लेते हैं, गूगल डॉट GLE क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पेज ओपन होने के बाद। जैसे कि आपके सामने आ रहा है दोस्तों गूगल डॉट GLE, इसे एड टू एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना है आपको, और उसके बाद ये जब एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा आपका, तो ये प्रॉपर हमारे URL के काम आता है। जैसे हमारा ये URL है, इसको काफ़ी छोटा बना देगा आपको, बड़े से काफ़ी छोटा स्मॉल बना देगा, शॉर्टनर URL जनरेट करता है। लाइक मेरा ये YouTube का पेज है https://www.youtube.com टेक्निकल गुरु टैग, और मैं चाहता हूँ इस URL को, या इसकी जगह काफ़ी बड़ा URL भी होता है उसको मैं छोटा करना। तो दोस्तों ये जो मैंने एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड किया है गूगल में, तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सॉर्ट करेगा URL को, मेरे इस वाले URL को इसे काफ़ी छोटा बना देगा, जैसे कि लाइक ये सॉर्ट करेगा। ये देखिए ये मेरा URL इतना छोटा बन चुका है, इसको चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं या इसका QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम के लिए, और उसके बाद जब मैं इसको पेस्ट करूँगा या किसी को इसको रेफर करूँगा, तो मेरा वही URL जो मैंने जनरेट किया है वही पेज मेरा इतने से छोटे से URL में वो ओपन होकर आएगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला URL मेरा ओपन हो गया है, मैंने जनरेट जो किया था वो ये वाला URL था छोटा सा, और ये पूरी तरीके से वही पेज ओपन होकर आया। इसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों एक्सटेंशन के बारे में, अगला है प्रिंटर, प्रिंटर फ्रेंडली एंड PDF। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये ओपन होकर आ गया है प्रिंटर फ्रेंडली एंड PDF, इस पर आप क्लिक करेंगे से ऐड टू एक्सटेंशन पे, इसको ऐड कर लेते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छा दोस्तों एक्सटेंशंस है हमारे। फ्रेंडली इंस्टॉल होने के बाद काम कैसे करता है दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि इस वाले पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको इजीली इस वाले एक्सटेंशन का काम मैं बता देता हूँ। जैसे प्रिंट फ्रेंडली पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे कि आर्टिकल में होता गया, जैसे हमें काफ़ी सारी इमेजेस, मतलब जो चीज़ हमें प्रिंट नहीं लेनी है वो साथ में हमारे प्रिंट आ जाती है, काफ़ी सारी इमेजेस या फालतू के एडवर्टाइजमेंट, तो आप इसके हेल्प से जैसे कि लाइक ये एडवर्टाइजमेंट है, ये मान लीजिए सपोज़ इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे यहाँ से रिमूव होता है। जैसे कि ये मुझे आर्टिकल नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, और ये जो जो मुझे पसंद है वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और उसके बाद मैं उसको सेव एस या प्रिंट मार, और जैसे कि मुझे ये वाली हटा देनी है, इस तरीके से मैं यहाँ से वो चीज़ रिमूव कर सकता हूँ। ये प्रिंट फ्रेंडली इस तरीके से प्रिंटर मेरी हेल्प करती है। उसके बाद जब मेरा ये पूरा काम हो जाएगा, या मैं इसको PDF में ले सकता हूँ या मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ, इस तरीके से मेरा काम पूरा होता है। प्रिंट फ्रेंडली इस तरीके से वर्क करती है, और उसके बाद जब मैं डाउनलोड करूँगा दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगी इजीली, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और आप उस वाले आर्टिकल को या उस एडवर्टाइजमेंट के इमेज को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक पर। जैसे कि दोस्तों ये मैंने रिमूव करके और उसके बाद मैंने डाउनलोड किया था, और जो चीज़ मैंने रखी इस वाले पेज में वही मुझे मिली है। ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारा काम था। और अगला है आपके लिए फोटो ओसम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोटो स्क्रीन शॉट काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, और ये काफ़ी बेहतरीन है आपके लिए, काफ़ी प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। जैसे कि ये पहला वाला एक्सटेंशन आ रहा है आपके पास, ऑसम स्क्रीन शॉट स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर,
इस पर आप क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे इसको। ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों पूरी तरीके से। और ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ इसका भी, और सब स्क्रीनशॉट का क्या आपके लिए फ़ायदा है, दे बेनिफिट्स देगी आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, आप नए नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए आप एक ही जगह पर एक ही वक्त पर आप सब कुछ कर पाएंगे। और दोस्तों ये हमारा ऑसम स्क्रीनशॉट स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिट हो चुका है। तो जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब के पेज पर टेक्निकल गुरु टैक वाले यूट्यूब ऑसम कैप्चर स्क्रीनशॉट कैसे काम करता है, यहाँ पर आप चाहें तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है कैप्चर स्क्रीन एरिया। ये होता क्या है, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे आप तो ये ऐसा आ जाएगा। आप जिस भी चाहे एरिया का यूँ कैप्चर करके इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चर का ऑप्शन आ जाता है और कैप्चर पे आप क्लिक करके इसको इजीली ले सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। और उसके बाद ये आ गया ना आपका आराम से कैप्चर एरिया। आप ये मैंने अपने एरिया को जिस भी मुझे स्क्रीनशॉट जिस भी चीज़ की चाहिए मैं कैप्चर कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे कैप्चर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं सर्कल कर सकता हूँ, हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ, और यहाँ मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से या इस तरीके से एरो दिखा सकता हूँ मैं। और आप चाहें तो यहाँ पर यूँ क्रॉप भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, क्रॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये कैप्चर ऑसम स्क्रीन कैप्चर का काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर चाहे तो टेक्स्ट भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कल गुरु टैग, ओके दोस्तों। और उसके बाद ये मेरा यहाँ पर टाइप हो चुका है। और आप चाहें तो इसका कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपका कलर है यहाँ पे आप किसी भी कलर में इसको ले सकते हैं। ये आपका इस तरीके से ये टाइप हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी आप फॉन्ट और एरियल कुछ भी चाहे आप ले सकते हैं, और इसकी पिक्सल्स क्वालिटी भी को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं उस एरिया को कैप्चर करने के बाद। और उसके बाद यहाँ आपका डन का ऑप्शन आता है, आप जब इसे डन कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर सेव टू प्रोजेक्ट इन गूगल कनेक्ट टू गूगल पर ऑप्शन आता है, या आप लोकल ड्राइव में सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या सिस्टम पर। इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करने पर वन क्लिक करने पर ये आपका इस तरीके से सो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर सेव कर लेना है कहीं भी अपने। और दोस्तों ये देखिए ये आपका स्क्रीन कैप्चर, देखिए इसको एडिट किया और ये मेरा सेव हो चुका है PNG में। तो ये था दोस्तों हमारा ऑसम स्क्रीनशॉट, और ये काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल जाते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें रिकॉर्ड स्क्रीन भी कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर आपका ड्यूरेशन दिखा रहा है, काउंट डाउन दिखा रहा है 1 2 3, अगर आप चाहते हैं 1 2 3 काउंट डाउन हो, टैब है ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका रिकॉर्ड मिंग साउंड मतलब आपके आवाज़ के साथ ये रिकॉर्ड हो स्क्रीन रिकॉर्ड, तो आप इसको डिसेबल एंड एनेबल डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, से अलाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके आपका ये एनेबल्ड हो चुका है। और आप चाहें तो इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर जाएंगे यूँ करके, और ये आपका दिखा रहा है ये। ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डर इस तरीके से ऑन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आप चाहें तो इसको स्क्रीन रिकॉर्डर जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर आप इजीली
आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल एक्सटेंशन में इस इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देना है, ऐड कर देना है। इसके बाद आपका सारा काम गूगल क्रोम पर ही होने लगेगा। जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हैं, ये आपका रिकॉर्डिंग हो गया 28 सेकेंड, 29, 30 सेकेंड, उसको चाहे तो उसके बाद आप फिनिश कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपका, आप इसको स्टॉप कर देंगे तो ये इस तरीके से एक नए पेज में ओपन होकर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और ये आपको दिखा रहा है कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डर इस तरीके से आपका प्रॉपर हो चुका है इंस्टॉल। और आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाता है। और ये आपकी 4.92 MB की फाइल बन गई है। तो ये आपका ऑसम स्क्रीन शॉट का ऑप्शन था, ये आप विद अपने वॉइस के साथ यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको ये इसके बेस्ट गूगल एक्सटेंशन के बारे में बताया है, ये आपके लिए काफ़ी इजी और आपके काम को शॉर्ट करेगी। आपको अलग अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सारा काम अपने गूगल के क्रोम के एक्सटेंशन पे ही कर सकते हैं काफ़ी इजी और काफ़ी जल्दी फास्ट तरीके से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।